इलाहाबाद के निर्देशन पर संजीव शुक्ला जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय आजमगढ़ के तत्वाधान में वृक्षारोपण जन उत्सव 2023 का शुभारंभ जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश द्वारा आम का वृक्षारोपण कर किया गया। अपर जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ धनंजय कुमार ने बताया, वृक्षारोपण जनपद न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के कुल 450 फल छायादार पौधे जैसे आम, बरगद, पीपल, जामुन, आंवला, नीम, बहेड़ा लगाए गए। वृक्षारोपण किया गया आपके द्वारा किस तरह से, कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए? ये वृक्षारोपण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है। जितनी कचहरी परिसर है सब में लगभग 400 वृक्ष लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, सारे ऑफिसरों द्वारा, कर्मचारी और हमारे पार्क के अध्यक्ष मंत्री जी सबके द्वारा। सर, हर साल बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं लेकिन देख रेख के अभाव में नष्ट हो जाते, तो उनको वो संरक्षण के लिए किस तरह से निर्देश देना चाहेंगे? पहली बात तो इस बार सबकी सहभागिता इसीलिए सुनिश्चित की गई है, उसमें हमारे ग्रेड 4 एम्प्लॉई भी हैं, ग्रेड 3 भी हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, इस वजह से आपकी संरक्षण पर पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सर, इसका उद्देश्य क्या है? सर, फॉरेस्टेशन, क्योंकि यहाँ पेड़ों की संख्या कम है, इस वजह से अधिक पेड़ जो लगने चाहिए, और कचहरी से हमने जो हमारा क्षेत्र है हमने उससे शुरुआत की है। ठीक है।